हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप बहरीन में रहते हैं और बेनिफिट पे यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बेनिफिट पे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है मल्टी सेंड। दोस्तों, पहले बेनिफिट पे में था कि अगर आपको किसी को पैसा सेंड करना है तो आप किसी को वन बाय वन ही पैसा सेंड कर सकते थे, लेकिन दोस्तों बेनिफिट पे ने जो है बहुत अच्छा फीचर्स ऐड किया हुआ है मल्टी सेंड का। इस ऑप्शन के माध्यम से जो है आप एक साथ कई लोगों को ग्रुप में पैसा सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना है, तो आप उनका एक ग्रुप बना के जो है उनको उनकी सैलरी जो है इस माध्यम से पे कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस ऑप्शन को आपको कैसे यूज़ करना है और उसमें ग्रुप को कैसे बनाना है, ये सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, आपको जो है अपने बेनिफिट पे ओपन करके उसमें लॉगिन हो जाना है। जब उसमें लॉगिन हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं आप उसके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। जब इसके होम स्क्रीन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है सर्विसेज का ऑप्शंस, उसके बगल में दिया हुआ है व्यू ऑल का, तो आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। अब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी सारी सर्विसेज होंगी आपके सामने सब आ जाएंगी। अभी देखिए आपको ऑप्शंस मिल रहा है यहाँ पे मल्टी सेंड का, आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब देखिए आपके सामने जो मल्टी सेंड का ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहा है, फावरी प्लस का और फावरी का। तो फावरी प्लस में जो है आप केवल 1000 दिनार तक जो है पैसा सेंड कर सकते हैं। ये इंस्टेंटली जो है आपका जो जिसको पैसा भेज रहे हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप फावरी के माध्यम से सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पैसे को क्रेडिट होने के लिए कम से कम एक बिजनेस डे का टाइम लगता है। तो अगर आप तुरंत भेजना चाहते हैं तो आपको फावरी प्लस का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यू डिड नॉट क्रिएट एनी ग्रुप येट, ग्रुप हेल्प्स यू टू इजिली सेंड मनी टू मल्टीपल पीपल रिकरेंटली। तो यहाँ पे जो है आपको ग्रुप बनाना है पहले पैसे को सेंड करने के लिए कई लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है क्रिएट ग्रुप का, तो आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन करना है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रिएट योर न्यू ग्रुप, तो यहाँ पे आपको पहले ग्रुप का नाम देना है कि किस जो ग्रुप आप बना रहे हैं उसका एक नाम आपको यहाँ पर देना है। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई काम है बिजनेस है तो यहाँ पे लिख दीजिए माय स्टाफ, यानी कि स्टाफ को सैलरी पे करना है। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिलेक्ट रिसिपिएंट, यानी कि जिसको आप पैसा भेजेंगे ना उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिसिपिएंट का डिटेल्स ऐड करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि उनका नेम और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करके आपको ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं अपने कॉन्टैक्ट से ऐड करने के लिए तो आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट यहाँ पे पूरा ओपन होकर आ जाएगा। अब जिसको भी ऐड करना चाहते हैं उस नाम पे क्लिक करेंगे तो उसका नाम और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर आपको ऐड पे क्लिक कर देना है, ऐड पे क्लिक करके फिर आपको कंफर्म कर देना है। अब देखिए ये बेनिफिशियरी जो है आपके ग्रुप में ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसको आपने ऐड किया होगा। तो जिसको आप ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं 1 2 3 4 लोगों को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ अपने ग्रुप में। तो यहाँ पे देखिए 4 लोगों का नाम ऐड हो चुका है, सेलेक्ट हो गया है। अभी क्रिएट न्यू ग्रुप पे क्लिक कर देना है। सो देखिए बेनिफिशियरी लिस्ट एडेड का ऑप्शन आ गया है, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया था माय स्टाफ एक ग्रुप, तो यहाँ पे जो है सारा नेम ऐड हो चुका है। अब देखिए अगर आपको पैसे सेंड करना है एक साथ में सबको तो जो आपने ग्रुप बनाया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए सारा नाम यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। आप जितना भी अमाउंट सेंड करना चाहते हैं उनको वो अमाउंट यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अमाउंट को एंटर करने के बाद फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने जो है पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आपका अकाउंट आएगा कि किस अकाउंट से पैसा आपका कटेगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो अपने अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस अकाउंट से पैसा आप सेंड करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए जो पैसा सेंड कर रहे हैं उसका एक नेम अगर आपको देना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे नेम दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए आपके पास एक समरी आ जाएगी कि कितना अमाउंट आप सेंड कर रहे हैं और किसको सेंड कर रहे हैं, उसका नाम और अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, आपको इसको देख लेना है। उसके बाद पे के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये जो है पैसा आपके अकाउंट से कट के एक साथ में जो है सारे लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बेनिफिट पे का ये जो नया फीचर्स है मल्टी सेंड का ये आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।